Hello everyone. So today we are going to study about the subject verb conquered. So in my last video I've already told you about the articles a, an and the. So now I'll tell you very interesting rule about and, about this conjunction and. Hey, hum and ka istemal karte hue koi sentence likhte hain to sentence ki is side aur is side kuch na kuch hota hai. और अगर हमने आर्टिकल ए एन या द में से किसी का भी इस्तेमाल एंड के इस साइड पर किया है तो इधर वाले सेंटेंस का रिलेशनशिप इधर वाले सेंटेंस से बिल्कुल भी नहीं होता है. मींस ये पर्सन बिल्कुल अलग अलग पर्सन होते हैं. चलिए अभी समझ में नहीं आ रहा आपको, हम एग्जांपल से देखते हैं. Nelson Mandela was a great leader and a great orator. Nelson Mandela Africa के बहुत ही great leader थे, ये बात हमें पता है. Okay, अब यहाँ पे लिखा है and a great orator. यहाँ पे जो मैं ये कह रही थी कि and के right side में अगर इसमें से किसी भी एक article का इस्तेमाल हुआ है तो इधर वाले पर्सन और इधर वाले पर्सन में कोई भी रिलेशन नहीं होता है. अब ये 10th क्लास में भी काफ़ी इस्तेमाल आता है जब एडिटिंग ओमिशन होती है तो वो कहेंगे एरर फाइंड आउट करिए. तो आपको लगेगा मैम ये तो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट ओरेटर. बट जब हम ये रूल अगर आपने अभी पढ़ लिया तो आपको फौरन यहाँ पे मिस्टेक पता चल जाएगी, क्योंकि एंड के बाद अगर ये आर्टिकल अ लग गया है मींस ये जो ग्रेट ओरेटर है वो कोई और है और नेल्सन मंडेला की बात यहाँ पे नहीं हो रही है. क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिखते नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर एंड ओरेटर तब ये सेंटेंस सही होता. अभी ये सेंटेंस गलत है क्योंकि अ लगाते ही यहाँ पे ये पर्सन चेंज हो गया. अब हमें नहीं पता कौन है ग्रेट ओरेटर, क्या कहना चाह रहे हैं, हम तो कुछ और कहना चाह रहे थे और यह मतलब कुछ और निकल गया. तो ये हमारी मिसकम्युनिकेशन का रीजन होता है, क्योंकि नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर एंड ओरेटर सही था, अ लगाते ही ये पूरा अलग हो गया, कोई और पर्सन की बात हम करने लग गए. नेल्सन मंडेला की अब यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है. उसी तरीके से ये सेंटेंस देखिए, द कोच एंड द कैप्टन ऑफ द टीम हैव बिन सैक्ड. सैक्ड का मतलब होता है निकाल देना, बर्खास्त कर देना. सो यहाँ पे हमने देखा द कोच, ओके द हमने पिछली वीडियो में देखा है डेफिनेट आर्टिकल होता है, किसी स्पेसिफिक कोच स्पेसिफिक कैप्टन की बात हो रही है, हमें पता चल रहा है. हाँ द कोच एंड द कैप्टन मींस ये द लगा हुआ है, इसका मतलब ये कैप्टन और ये कोच बिल्कुल अलग अलग है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं. सो एक कोच था एक कैप्टन था, उन दोनों को जो टीम के कोच और कैप्टन जो अलग अलग लोग थे उन दोनों को सैक मतलब उनको निकाल दिया गया, दोनों को ही टीम से निकाल दिया गया है. तो ये क्योंकि दो थे और हमें पता है प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ लगता है और हैव सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ लगता है, तो ये हैव बिल्कुल यहाँ पे सही है. लेकिन अगर यहाँ से द हट जाता, द कोच एंड कैप्टन ऑफ द टीम मींस जो कोच है वही कैप्टन है. द कोच एंड कैप्टन मींस द कोच इज द कैप्टन, द कैप्टन इज द कोच of the team means these are one single person. The coach and captain of the team अब यहाँ पे क्या आएगा has, ये कट जाएगा, यहाँ पे has आएगा. क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हमने द हटा दिया और द हटाते ही ये और ये एक person बन गए, द लगाते ही ये और ये दो अलग person बन गए. So हमने देखा द कोच एंड कैप्टन ऑफ द टीम हैज बिन सैक्ड. अब यहाँ पे हैज क्यों लगाया, क्योंकि कोच और कैप्टन एक ही पर्सन था और सिंगुलर पर्सन या नाउन या प्रोनाउन के साथ हैज लगता है. ओके अब देखिए द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव अराइव्ड, बिल्कुल सही सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि द डायरेक्टर कोई और था
द लगा हुआ है एंड के बाद, मीन्स ये कोई दूसरा पर्सन है, उसके साथ दो हो गए तो हैव लगाया, दोनों आ गए हैं, सही है, कोई गलती नहीं है. लेकिन अगर हम यहां से द को रिमूव कर दें, दैट मीन्स ये और ये अब सेम पर्सन है, वही डायरेक्टर है, और डायरेक्टर ही प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ही डायरेक्टर है, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर. अब यहाँ पे क्या एडिटिंग आपको करनी पड़ जाएगी, हैव को एडिट करके हैज को ओमिट करना रहेगा, क्योंकि अब ये सिंगल पर्सन हो गए और सिंगल के साथ हैज लगता है. द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज अराइव्ड. आई होप आपको अभी इतना समझ में आया हो. अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग दूसरा रूल बताने जा रही हूँ. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड रूल. पहले हमने क्या देखा कि अगर एंड लगाए और उसके बाद कोई आर्टिकल है, तो एंड के इधर वाले सेंटेंस का में जो भी पर्सन है उसका लेफ्ट साइड वाले पर्सन से कोई रिलेशन नहीं होता है. जैसे कि हमने देखा कि द कोच एंड द कैप्टन ऑफ द टीम हैव बिन सैक्ड. अगर यहाँ पे द लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, मीन्स कैप्टन अलग है और कोच अलग है. ये चीज हमने देखी कि अगर एंड के बाद आर्टिकल लगा है तो ये और ये दोनों अलग अलग पर्सन हो जाते हैं. अगर इसको हम रिमूव कर दें तो ये दोनों एक ही पर्सन हो जाते हैं. एक ही होते हैं तो सिंगुलर वर्ब लगता है, और दो अलग अलग होते हैं तो प्लूरल वर्ब हैव लगता है. अब हमें देखना है रूल सेकेंड. अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर एंड लगा है तो उसके बाद हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. प्लूरल वर्ब मीन्स हैव, आर, वर, लाइक दैट. ओके, प्लूरल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम. एंड लगाए, एंड लगाए, उसके बाद हमने क्या लगाया, प्लूरल वर्ब. क्या लगाया, प्लूरल वर्ब लगाया, बिकॉज राम और श्याम दो अलग अलग लोग हैं, और दो हो गए इसका मतलब प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल वर्ब लगा. लेकिन चलिए एक और देखते हैं, माई ब्रदर एंड हिज चिल्ड्रन अलग अलग है, मेरा भाई और उसके बच्चे आ रहे हैं, आ रहा है नहीं, आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, या आ चुके हैं, डैश अराइव्ड. सो माई ब्रदर एंड हिज चिल्ड्रन हैज या हैव, क्या लगेगा, एग्जैक्टली हैव. सो हैव अराइव्ड बिकॉज दिस इज प्लूरल एंड वी विल यूज प्लूरल वर्ब. ओके, नाउ माई वाइफ, लाइफ एंड माई वाइफ डैश अराइव्ड. क्या मेरी लाइफ और मेरी वाइफ अलग अलग है, नहीं. मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ कि मेरी, जो भी ये कह रहा है कि मेरी वाइफ ही मेरी जिंदगी है, और मेरी जिंदगी मेरी वाइफ आ रही, आ चुकी है, ना कि आ रही है, या एक से ज्यादा नहीं है, सिंगुलर है. तो यहाँ पे कंडीशन यही है कि आइडिया जो है वो सेम होना. अगर सेम है, अगर आइडिया सेम है, तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा, तो सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि माय लाइफ एंड माय वाइफ हैज अराइव्ड, हैव अराइव्ड नहीं होगा, क्योंकि ये दो अलग अलग जने नहीं हैं, ये दोनों एक ही जना है. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, ब्रेड एंड बटर डैश माय फर्स्ट चॉइस. यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ब्रेड और बटर एक साथ खाते हैं ना, कहते एक साथ है तो खाते एक साथ है, मक्खन और ब्रेड, तो मक्खन और ब्रेड फॉर एग्जाम्पल, इसको तो आप छोड़िए, पहले मैं बताती हूँ, छोले एंड भटूरे डैश माई फेवरेट डिश, आर माई फेवरेट डिश. छोले अलग खाते हैं और भटूरे अलग खाते हैं, नहीं ना. सो छोले एंड भटूरे इज माई फेवरेट डिश, इज लगाते हैं क्योंकि उसका आइडिया सेम है. छोले एंड भटूरे इज वन कॉन्सेप्ट, माई लाइफ एंड माई वाइफ इज हैविंग द सेम आइडिया बिकॉज दे आर ओन वन कॉन्सेप्ट, वन सब्जेक्ट. सिमिलरली ब्रेड एंड बटर डैश माई फर्स्ट चॉइस, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा, दैट इज ब्रेड एंड बटर इज माई फर्स्ट चॉइस. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि अगर किसी सेंटेंस में लगा हो वन ऑफ,
वन ऑफ, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, कैसे आएगा देखते हैं. वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई कॉलीग्स, वन ऑफ माई रिलेटिव्स. अब आप कहेंगे ये रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, कलीग्स लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, यहाँ पे मैं आर लगा देता हूँ, लगा देती हूँ. एब्सोल्युटली नॉट. आप बोल के देखिए ना उसको हिंदी में. मेरा एक दोस्त आ रहा है, दोस्तों में से एक दोस्त, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त आ रहे हैं या आ रहा है, सिंगुलर और प्लूरल? ऑब्वियसली सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ लगा हुआ है. वन ऑफ माय फ्रेंड, मेरे दोस्तों में से एक फ्रेंड डैश कमिंग टुडे. सो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एग्जैक्टली, इज कमिंग टुडे. इसी तरीके से अगर कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे प्लूरल देख के, यहाँ पे तो प्लूरल ऐसे नहीं करना है, वन ऑफ माई फ्रेंड, रॉन्ग, वन ऑफ माई फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल होगा, पर वर्ब यहाँ पे सिंगुलर लगेगा. वाई? बिकॉज सब्जेक्ट यहाँ पे वन ऑफ है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त आ रहा है आज. अब इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? इनडेफिनेट मतलब जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि कौन है वो, डेफिनेट नहीं है. एवरी वन, एनी वन, सम वन, लाइक दैट. सो इनडेफिनेट है कि कोई, सब, कोई एक. ओके इसी तरीके से अगर जैसे लगा हुआ है समवन डैश कमिंग, इनके साथ हमेशा सिंगुलर आता है क्योंकि समवन, एवरीवन, एनीवन, वन सिंगुलर. वी आर टॉकिंग अबाउट इनडेफिनेट प्रोनाउन जो कि सिंगुलर में है, हमेशा सिंगुलर में होते हैं. ईच, एवरी, सो हमेशा इनके साथ, इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगता है. तो समवन आर कमिंग, कोई आ रहे हैं, नो, कोई आ रहा है. समवन इज कमिंग, एवरीवन डैश क्लैपिंग फॉर यू, एवरीवन एग्जैक्टली इज क्लैपिंग फॉर यू. सो नेम्स, अगर जैसे कि किसी का नाम हो गया, किसी ग्रुप का नाम है ब्लैक कैट्स, आप कहेंगे अरे इसमें तो प्लूरल है पर ये किसी का नाम है, दिस इज अ नेम ऑफ समवन. सो अगर नाम किसी का प्लूरल में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे. वो सब्जेक्ट का नेम है प्लूरल में, पर है तो सिंगुलर ही. ब्लैक कैट्स एक ग्रुप का नाम है, एक बैंड का नाम है, तो ब्लैक कैट्स अगर प्लूरल उनका नाम है, उसको हम प्लूरल नहीं लेने लग जाएंगे. है तो वो वन बैंड ना, सिंगल बैंड है. सो अगर किसी का नाम चार्ल्स है, तो आप ये थोड़ी कहेंगे मैम उसमें एस लगा हुआ है तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे. नो, वी विल यूज इट, विल यूज सिंगुलर वर्ब ओनली. वाई? बिकॉज इट इज अ नेम. सो नेम्स के साथ डजेंट मैटर इफ द नेम इट सेल्फ इज इन प्लूरल, बट वर्ब विल बी सिंगुलर. सो ब्लैक कैट्स इज अ फेमस बैंड या वॉज अ फेमस बैंड. ओके नाउ अगर कोई न्यूज, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे वर्ड्स हैं जो होते ही प्लूरल में, होते ही प्लूरल में, न्यूज, हेडक्वार्टर्स, प्रमाइसेस, स्पीशीज एक्सेट्रा, तो ऐसी चीजें जो ऑलरेडी हमेशा प्लूरल में ही होती हैं, उनके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगता है. ऐसा नहीं कहते हैं द प्रमाइसेस ऑफ माई स्कूल आर वेरी बिग. नो, द प्रमाइसेस ऑफ माई स्कूल इज वेरी बिग. द न्यूज इज लेटेस्ट. न्यूज पे ऐसा लगा, इसका मतलब ये नहीं हम न्यूज आर लेटेस्ट करेंगे. नो, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, द न्यूज इज लेटेस्ट. ओके सो ऑलवेज वी यूज सिंगुलर विद दीज थिंग्स. वन ऑफ, इनडेफिनेट प्रोनाउन, नेम्स विच आर इन प्लूरल, और द वर्ड्स विच आर ऑलवेज इन प्लूरल.